सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है और यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहा हूँ जो कि इंटरनेट मास्टरमाइंड डॉट इन। दोस्तों ये एक आईडी है मेरी, एक बिजनेस आईडी है जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे पोस्ट करता हूँ। अगर आप अभी तक ये वाला आईडी को फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके फॉलो करिए। सो यहाँ पे इसका रील सेक्शन में आता है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रील्स में डाला है और यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो रील्स के अंदर सिर्फ 36 व्यू आ रहा था, 38 व्यू आ रहा था और यहाँ पे अचानक देख सकते 564 व्यू आया, फिर उसके बाद 111 व्यूज आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आते आते 904 व्यूज आया और फिर 1039 व्यूज आया, फिर 3080 व्यूज आया। दोस्तों इसके अंदर मैंने ऐसे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके अंदर मेरे को 35 व्यूज से सीधे 3500 व्यूज हो गए, तो क्या क्या मैंने और कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किया, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक वॉच करना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे जो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बाकी आप नीचे कमेंट करो बताओ आप लोग कैसे हो। दोस्तों अगर आप ये वाला वीडियो के ऊपर टाइटल और थंबनेल देकर क्लिक हो तो ये वीडियो आपके लिए और आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ तरीका, ऐसे कुछ फॉर्मूला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला को अपने इंस्टाग्राम आईडी के अंदर अप्लाई करते हो तो आपके इंस्टाग्राम आईडी के रील्स व्यू ऐसे होके ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों ये वाला वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ फॉर्मूला बताने वाले हूँ, ऐसे कुछ टिप्स बताने वाले हूँ, अगर ये टिप्स को आप सही से फॉलो करते हो या सही से इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ आपके इंस्टाग्राम रील्स के अंदर व्यूज इंक्रीज हो गया ही होगा। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, जो भी सारे ट्रिक्स या टिप्स मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सिंपली ये वाला ट्रिक्स एंड टिप्स को आपको फॉलो करनी है, सही से फॉलो करनी है, सही से अप्लाई करनी है। दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट के चलते और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ रुको रुको रुको, इंट्रो कौन सुनेगा? सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र, आप लोग देख रहे हो वीडियो का यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो सुनने से पहले की बात होना इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, अगर वीडियो आपको एंड में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों से शेयर करना और चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाला घंटा का बटन उसे भी दबा देना, पहले वीडियो देखो उसके बाद ये सारा करना है आपको। दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, 5 फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ, अगर आप ये ट्रिक या फॉर्मूला को सही से अप्लाई करते हो तो आपके रील्स के व्यूज भी ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों व्यूज को लेके मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप कोई रील को 3 सेकंड तक देखते हो तो ही एक व्यू काउंट होती है, एक प्ले काउंट होती है। अगर आप एक रील अपलोड करते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी के अंदर और आपकी जो रील है वो मेरी फीड के अंदर शो करती है, मेरे में जो स्क्रॉल करता हूँ वहाँ पे मेरे को शो करती है, तो वो क्या होगा, वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। अगर किसी को आपकी रील शो होती है तो वो एक इंप्रेशन है, उसको एक इंप्रेशन कहा जाएगा। अगर वो रील को जिस बंदे के पास वो वाला रील शो किया है, अगर आपके रील मेरे पास शो किया है, अगर मैं वो वाला रील को 3 सेकंड तक देखता हूँ, मतलब 3 सेकंड के ऊपर या 3 सेकंड तक देखता हूँ तो वो एक व्यू में वो काउंट होगा। अगर आपकी रील मेरे सामने आती है लेकिन मैं उसको नहीं देखता हूँ, सिर्फ स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो वो एक व्यू में काउंट नहीं होगा। अगर कोई रील को कोई बंदा 3 सेकंड तक देखता है तो ही 1 प्ले या 1 व्यू वो काउंट होता है। दोस्तों अभी सीधे आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 1, डोंट वॉच योर वीडियो फ्रॉम योर आईडी। दोस्तों ये वाला ट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको जो भी रील अपलोड करते हो आपके आईडी के अंदर, तो आपके सेम आईडी के अंदर, मतलब उसी आईडी के अंदर वाला वीडियो को प्ले नहीं करना है, आपको वो वाला वीडियो को देखना नहीं है, मतलब वॉच नहीं करना है। ऐसे क्या होता है कि अगर आप अपने खुद से अगर आप वाला वीडियो देखते हो, जो भी आईडी से आप अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एबिटेगियन आईडी से अपलोड करते हूँ और फिर मैं एबिटेगियन आईडी से वाला वीडियो मतलब बार बार देखता हूँ, तो ऐसे क्या होगा कि इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है उसको ऐसे समझ में आएगा ये स्पैम कर रहा है या ये खुद की वीडियो को देख रहा है और इसकी व्यूज को इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी जो इंप्रेशन है वो डाउन कर देगा, आपको वीडियो को वो रीच नहीं देगा, आपके वीडियो को मतलब ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा नहीं, इंप्रेशन नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने जो खुद का वीडियो है अपने खुद के आईडी से नहीं देखना है, मतलब जो भी आईडी से आप वीडियो अपलोड करते हो उसी आईडी से आपको वीडियो को नहीं देखना है। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 2, इंक्रीज योर वॉच टाइम। दोस्तों आपको अपने वीडियो के अंदर ऐसे कुछ चीज करनी है कि जैसे कि लोग उसको ज्यादा देर तक देखेंगे, आपकी वॉच टाइम इंक्रीज होगा, उसके बाद आपकी वीडियो वायरल जाएगी या उसके बाद आपके वीडियो के अंदर व्यूज आएंगे, भर भर के व्यूज आएंगे। तो क्या करना है, आपको फोकस करनी है आपकी वीडियो की वॉच टाइम को इंक्रीज करनी है। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 3, सीटीए, कॉल थ्रू एक्शन। दोस्तों कॉल थ्रू एक्शन क्या है, दोस्तों कॉल थ्रू एक्शन के थ्रू लोगों को कुछ कमांड आपको देना है, लोगों को कुछ बताना है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे कुछ आपको बताना है, ऐसे कुछ आपको कमांड देना है, कॉल टू एक्शन ऐसे समझो, कॉल टू एक्शन। दोस्तों व्यूअर को कुछ ऐसे बात बताने कि वो एक्शन प्रोड्यूस करे या कुछ वो एक्शन ले। तो ऐसे क्या करना है, आप जब भी कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हो तो कैप्शन में ऐसे कुछ आपको लिखनी है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट समथिंग, टैग समवन,
टैग्स हमारे इन द कमेंट सेक्शन ऐसे कुछ आपको लिखनी है, मेंशन योर स्पेशल पर्सन ऐसे कुछ आपको लिखनी है कि लोगों क्या करेंगे जाके कमेंट करेंगे। दोस्तों जब भी लोग जाके कमेंट करते हैं तो क्या होता है, इंस्टाग्राम को लगता है ये एक अच्छा रील है, इसका रीच और थोड़ा बढ़ा दे, इससे क्या होगा कि वो वाला रील को इंस्टाग्राम और ज्यादा पुश करेगा क्योंकि उसके अंदर कमेंट ज्यादा है तो इसे पुश करेगा। तो पुश करने से क्या होगा आपकी वीडियो के अंदर ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सीटीएफ फॉर्मूला अप्लाई करनी, कॉल टू एक्शन करनी, लोगों को कुछ कमांड देना है कि वो जैसे एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों ट्रिक्स नंबर 4, दोस्तों ये वाला जो ट्रिक है ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ जिसके वजह से मेरी वीडियो के अंदर ज़्यादा व्यूज आते हैं, ज़्यादा लाइक्स आते हैं और बड़े बड़े जो इंस्टाग्रामर्स है वो फॉलो करते हैं या बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है, वीडियो क्रिएटर्स है वो भी फॉलो करते हैं ज़्यादा व्यूज लाने के लिए। दोस्तों ये ट्रिक क्या है, यूज ट्रेंडिंग म्यूजिक। दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करनी है, जो ऑडियो अभी ट्रेंड में चल रही है वो वाला ऑडियो को यूज करनी है। दोस्तों सिंपली आप ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोस्तों जब भी आप कोई इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो तो नीचे आपको ऑडियो के सेक्शन के उसके जो लेफ्ट साइड के अंदर एक एरो दिखाई देती है, इससे एक एरो आती है वो होती है ट्रेंडिंग साइन। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरो आ रहा है, एक ट्रेंडिंग वाला एक एरो आ रहा है, देख सकते हो एक अप वाला एरो आ रहा है, इससे बोलते हैं हम ट्रेंडिंग म्यूजिक। दोस्तों अगर आप ये वाला ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करके अपने रील बनाते हो या अपनी वीडियो बनाते हो तो मैं 100% बॉन्ड पेपर पे लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि आपकी वीडियो के अंदर 100% व्यूज आएंगे, पहले से हिसाब से ज़्यादा व्यूज आएंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, बॉन्ड पेपर लाओ मैं अब भी लिख के दे दूँगा। अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करते हो तो आपकी वीडियो के अंदर 100% लाइक आएंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पांचवी और लास्ट ट्रिक के अंदर। दोस्तों पांचवी नंबर जो ट्रिक है वो दूसरी नंबर ट्रिक के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों पहले दूसरी नंबर में मैं आपको बताया था वॉच टाइम और मैं अभी पांचवें नंबर पे आपको बता रहा हूँ क्रिएट सस्पेंस। दोस्तों वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, अगर आप कुछ सस्पेंस क्रिएट करोगे वीडियो के अंदर तो ही वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर आप कुछ सस्पेंस क्रिएट करते हो तो वीडियो के अंदर तो क्या होगा, वो जो बंदा आपकी वीडियो देख रहा है तो वो क्या सोचेगा, वीडियो में आगे कुछ है, इसके अंदर कुछ सस्पेंस है, कुछ हो सकता है, तो आगे तक वो वीडियो देखते देखते जाएगा और आपकी जो वॉच टाइम है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। इससे क्या होगा आपके व्यूज आएंगे, आपकी रील्स के अंदर ज्यादा लाइक्स आएंगे। तो उसको सस्पेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, मतलब अगर कोई बंदा एक स्टाइल कर रहा है तो आप कुछ हटके करो, आप कुछ और ऑर्डिनरी करो और कुछ एडवांस करो कि जैसे कि जो बंदा है वो ज्यादा देर तक वो वाला वीडियो देखते रहेगा कि आपकी वॉच टाइम बढ़ेगा। दोस्तों आप ऐसे भी रील सारे देखे होंगे जब आप स्क्रॉल करते हो तो वहां पे लिखा होता है कि वॉच टिल द एंड, एंड में कुछ हमको क्या लगता है एंड में कुछ होने वाला है, एंड में कुछ होने वाला है, कुछ हटके होने वाले, तो हम क्या करते हैं वो वाला रील को एंड तक देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वो वाला बंदा जिसने रील अपलोड किया है और जिसने लिखा है वॉच टिल द एंड, उसका वॉच टाइम बढ़ता है, उसका व्यूज आता है और उसके लाइक भी आप देखोगे भर भर के उसको लाइक मिलता है, भर भर के कमेंट मिलता है और भर भर के व्यूज मिलता है। तो आपको भी ऐसे कुछ करना है, आपको ऐसे कुछ सस्पेंस क्रिएट करनी है वीडियो के अंदर, आप अपने हिसाब से अपने दिमाग लगा के ऐसे कुछ सस्पेंस आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ये था आज के ऐसे पांच ऐसे ट्रिक या पांच ऐसे फॉर्मूला। अगर आप ये वाला फॉर्मूला या वाला ट्रिक को अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आपकी वीडियो के अंदर 100% ज्यादा लाइक आएंगे पहले के हिसाब से। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको कैसे लगा, या कोई भी अगर फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, कोई भी ट्रिक आपको समझ में नहीं आया तो नीचे दिल खोल के कमेंट करें, मैं आपको दिल खोल के रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, दोस्तों यहाँ पे छोड़ो तो एंड करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, आपको दिल को छुआ है, आपको कुछ समझ में आया है तो ही छोड़ो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, या अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले बार विजिट करो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो घंटा का बटन है उसे भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को पे सेट करते हैं। दोस्तों घंटा को दबाने पे क्या होता है कि मैं जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड करूंगा तो फटाफट आपको फोन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मिस किए बिना वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे वीडियो अगर तू एंड, फिर मिलते हो अगले धमाकेदार कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।